हेलो एवरीवन लास्ट लेक्चर में हमने 300 सीरीज को खत्म किया था तो नाउ आज कुछ रिमेनिंग स्टैंडर्ड्स कुछ सीरीज के बीच में से बचे हुए हैं तो वो आज हम कवर अप करेंगे तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम ऑलरेडी क्या क्या कौन कौन से स्टैंडर्ड्स को कवर अप कर चुके हैं नंबर एक एस 200 से 299 की सीरीज हमारी पूरी तरह से कंप्लीट है सेकंड एस ए थ्री से 499 सारे स्टैंडर्ड्स कवर हो चुके हैं हमारे 500 से 599 में एक स्टैंडर्ड बचा हुआ है 510 बाकी सब हम कवर कर चुके 600 की सीरीज में से एस ए सिक्स एंड 610 बचे हुए हैं और 620 मैंने आपको 500 हंड्रेड ऑडिट एविडेंस के स्टैंडर्ड के साथ करा दिया था 700 की सीरीज इसमें से तो आई थिंक शायद सारे ही स्टैंडर्ड बचे हुए हैं नाउ ये स्टैंडर्ड ये मैं आपको कराऊंगा ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में एसए 610 ये मैं आपको कराऊंगा इंटरनल ऑडिट के चैप्टर में सेवन हंड्रेड वाली वाले सारे स्टैंडर्ड्स हम कवर अप करेंगे ऑडिट रिपोर्ट के चैप्टर के साथ तो अब बचा क्या 510 एंड 710 ये दो स्टैंडर्ड बचे हुए हैं जो हमें आज कवर अप करते हैं तो आज के लेक्चर में मैं आपके साथ इन दो स्टैंडर्ड्स की डिस्कशन करने वाला हूं 510 एंड 710 को सो so, स्टार्ट करते हैं फाइव हंड्रेड टेन मैंने 500 की सीरीज कराते वक्त स्किप कर दिया था उसके पीछे एक कारण था कि कई बार जब इनके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं तो एक कंफ्यूजन एराइज हो जाता है कि 510 अप्लाई होगा या 710 अप्लाई होगा तो आज मैं आपको 510, 710 दोनों स्टैंडर्ड कवर करा रहा हूं और इन स्टैंडर्ड्स को कवर स्टार्ट करने से पहले मैंने एक कुछ सिचुएशंस ली हैं ताकि 510 और 710 के डिफरेंस को आप समझ सकें 510 का नाम क्या है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट वो एंगेजमेंट जिनमें पिछले साल की फिनेंशियल स्टेटमेंट या तो ऑडिट नहीं हुई थी या ऑडिट की गई थी बाय पर्सन अदर देन द करंट ऑडिटर मींस कोई और ऑडिटर था प्रीडिसेसर ऑडिटर तो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का केस है लास्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो ऑडिट नहीं हुई या किसी और ने ऑडिट की है तो आप ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एग्जामिनेशन करते वक्त ओपनिंग बैलेंसेस को कैसे चेक करेंगे जो करंट पीरियड के ओपनिंग बैलेंस है वो पिछले साल के क्लोजिंग है और पिछले साल के क्लोजिंग या तो वो ऑडिट नहीं हुए या किसी और ने ऑडिट हैं। फिगर्स एंड कंपेरिटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरिटिव इंफॉर्मेशन वो है कि जो करंट पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पिछले सालों की इंफॉर्मेशन डिस्कलोज की गई है लाइक like, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं 2021 की और उसके साथ आपने 1920 1819 1718 उसके फाइनेंशियल फिगर्स को भी कंपैरेटिव उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आपने उनकी कंपैरेटिव फिगर्स को शो किया है लाइक करंट ईयर की सेल कितनी है 2021 की 1920 में क्या थी 1819 में क्या थी 1718 में क्या थी दैट इज कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन अब दोनों ही केसेस में 510 में भी हम पिछले साल के कुछ डाटा की बात कर रहे हैं और 710 में भी हम पिछले साल के डाटा की बात कर रहे हैं एक चीज ध्यान रखिए 510 की जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो मैं 510 के अंदर पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंसेस की बात कर रहा हूं सिर्फ प्रीसीडिंग ईयर के या प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेस की बात कर रहा हूं और वो भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में और वो सिचुएशन क्या है जब लास्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने एग्जामिन नहीं की या किसी और ने एग्जामिन की है थे? या फिर वो एग्जामिन ही नहीं हुई नॉट ऑडिटेड और ऑडिटेड प्री डिसेसर ऑडिटर 710 में हो सकता है पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने ही एग्जामिन की हो।, हो सकता है किसी और ने एग्जामिन की हो हो सकता है कि वो एग्जामिन ही ना हुई हो। होवन हंड्रेड टेन की एप्लीकेबिलिटी इनिशियल ऑडिट में भी है रेकरिंग ऑडिट में भी है 510 की एप्लीकेबिलिटी सिर्फ इनिशियल ऑडिट के केस में है 710 की एप्लीकेबिलिटी इनिशियल एज वेल एज रेकरिंग दोनों में है 510 की एप्लीकेबिलिटी तब है इनिशियल ऑडिट में ओपनिंग बैलेंसेस की एग्जामिनेशन करने के लिए तो ओपनिंग बैलेंस करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस इसका मतलब है प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस 710 की जब मैं बात करता हूं तो ना केवल पिछले सालों के क्लोजिंग बैलेंसेस पिछले सालों की जो ट्रांसक्शंस हुई हैं उनकी भी मैं बात करता हूं मैं यहां पर सारी आइटम्स की बात करता हूं चाहे वो पी एंड एल आइटम्स हैं या वो बैलेंस शीट की आइटम्स हैं अब मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं इन दोनों के डिफरेंसेस को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए देखिए सिचुएशन वन मिस्टर एक्स हैं जो अपॉइंट हुए हैं एज द ऑडिटर ऑफ ए बी सी लिमिटेड इन इट्स ए जी एम डेटेड एटीन सितंबर टू थाउजेंड नाइनटीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर एटीन नाइनटीन इनकी ऑडिट की है मिस्टर ए ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर नाइनटीन ट्वेंटी ट इंक्लूड्स कंपेरिटिव इंफॉर्मेशन कमेंट ऑन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ फाइव हंड्रेड टेन एंड सेवन हंड्रेड टेन वाइल्ड ऑडिटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर नाइनटीन ट्वेंटी अब देखिए नाइनटीन ट्वेंटी के लिए मिस्टर एक्स को अपॉइंट किया गया है नाइनटीन ट्वेंटी के लिए लेकिन इसका प्रिसीडिंग एटीन नाइनटीन की ऑडिट किसने कर रखी है मिस्टर ए ने इसका मतलब 1920 की ऑडिट क्या इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है यस yes, 510 एप्लीकेबल हो गया क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 1920 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 1819 का डाटा भी डाला गया है चेक करिए लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 इंक्लूड्स कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन कंपेरिटिव इंफॉर्मेशन इंक्लूड है तो 710 भी एप्लीकेबल होगा सिचुएशन नंबर टू पर आ जाइए मिस्टर एक्स अपॉइंट हुए हैं एज द ऑडिटर ऑफ ए बी सी लिमिटेड इन इट्स ए जी एम डेटेड नाइनटीन कमेंट ऑन द एप्लीकेबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर नाइनटीन ट्वेंटी इसका मतलब है, 17, 18 की ऑडिट भी मिस्टर एक्स ने की 18, 19 की ऑडिट भी मिस्टर एक्स ने की नाइनटीन की ऑडिट भी कौन कर रहा है मिस्टर एक्स 2017 की बात करी है आपने तो क्या ये इनिशियल ऑडिट का केस है नो no. तो एस एंड्रेड इज नॉट एप्लीकेबल एज इट इज नॉट अ केस ऑफ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट लेकिन क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 1920 में 17 18 18 19 का डाटा गिवन है कंपनी का केस है कंपनी के केस में एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ शेड्यूल थ्री प्रीवियस ईयर की जो डाटा होता है वो करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकॉर्पोरेट किया जाता है रिजल्ट क्या एसए 710 एप्लीकेबल होगा डेफिनेटली यस एसए 710 विल बी एप्लीकेबल एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी इंक्लूड्स द कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन आगे बढ़ते हैं सिचुएशन नंबर तीन। मिस्टर ए ऑडिटर है मेसर्स राम श्याम एंड ब्रदर्स एक पार्टनरशिप फर्म का Comment on the applicability of 510 and 710 in audit of financial statement for the year 1920, assuming the following. पहली अस्थम्यन 1819 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस्टर A ने ऑडिट की है। यदि मिस्टर ए ने ही पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट किया है, तो 510 एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन यदि पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस्टर बी ने ऑडिट की है, इन दैट केस 510 अप्लाई होगा इस केस में 510 की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी हाँ इस केस में 510 की एप्लीकेबिलिटी आएगी अज्यूमिंग दैट करंट ईयर की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है 1920 इसमें कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन इंक्लूड की गई है 710 अप्लाई होगा डज नॉट इंक्लूड कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन 710 अप्लाई नहीं होगा यही इसका सॉल्यूशन है 510 विल बी एप्लीकेबल

यू कैन इजिली फाइंड आउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ फाइव हंड्रेड टेन एंड सेवन हंड्रेड टेन फिर इसका मैंने आपको एक समरी चार्ट भी यहाँ पर बनाकर दिया है किस ऑफ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट और उस इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में कंपेरिटिव इंफॉर्मेशन भी लगी हुई है मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रायर पीरियड का डाटा लगा हुआ है और इनिशियल ऑडिट का केस है इस एन टी डी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले साल आपने चेक नहीं की थी या ऑडिट ही नहीं हुई थी तो 510 एप्लीकेबल होगा 710 भी एप्लीकेबल होगा एज इट इज अ केस ऑफ इनिशियल ऑडिट 510 एप्लीकेबल होगा लेकिन यदि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन नहीं लगी हुई देन 710 अपनी एप्लीकेबिलिटी नहीं लेगा

दोनों में से कोई भी अप्लाई नहीं होगा हो सकता है 510 हंड्रेड टेन एप्लीकेबल हो सेवन हंड्रेड टेन एप्लीकेबल ना हो और इसका रिवर्स भी पॉसिबल है सो so, सबसे पहले तो आपको इसी चीज को एनालाइज करना है जो सिचुएशन आपको गिवन हो क्वेश्चन में उस सिचुएशन की अकॉर्डिंग यू नीड टू डिसाइड कि कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होगा 510 अप्लाई होगा या 710 अप्लाई होगा या दोनों अप्लाई होंगे या दोनों में से कोई भी स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा सो so, ये एक बेसिक डिस्कशन थी एज टू 510 एंड 710 के ऊपर। अब बढ़ते हैं आगे 510 की बात कर लेते हैं इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस इसके मतलब बहुत सिंपल है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स वो एंगेजमेंट है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द प्रायर पीरियड पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो ऑडिट नहीं हुई है और ऑडिट हुई है, तो किसी और ने ऑडिट की है ऑडिटेड बाय ऑडिटर ओपनिंग बैलेंसेस क्या होते हैं अकाउंट बैलेंसेस दैट एग्जिस्ट एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड मीनस क्लोजिंग बैलेंसिस ऑफ द प्रायर पीरियड दीज आर

जो डिस्कलोजर्स भी दिए गए हैं उन बैलेंस शीट आइटम्स के रेफरेंस में नोट्स टू अकाउंट्स में वो भी ओपनिंग बैलेंसेस बनेंगे दे आल्सो इंक्लूड द मैटर्स विच रिक्वायर्स द डिस्कलोजर्स दैट एग्जिस्ट एट द बिगनिंग ऑफ पीरियड लाइक कॉन्टीजेंसीज एंड द कमिटमेंट्स नो अब इसके बाद हमारी डिस्कशन आ जाती है ओपनिंग बैलेंसेस के ऊपर हमारे प्रोसीजर्स क्या होने चाहिए अब देखिए सिंपल सी बात है कि जो ओपनिंग बैलेंसिस हैं वो पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंसिस हैं यदि पिछले साल आपने ऑडिट की थी तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी लेकिन पिछले साल ऑडिट किसी और ने कर रखी है तो आपके लिए चैलेंज है अब वो चैलेंज किस फॉर्म में है नंबर एक इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में मैंने दो सिचुएशंस कंसीडर की नंबर वन पहली सिचुएशन है पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट नहीं हुई ऑडिट नहीं हुई तो चैलेंज ज्यादा है क्यों चैलेंज ज्यादा है पता नहीं क्लोजिंग बैलेंसेस ठीक है या नहीं है लेकिन यदि पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट हुई है किसी और ऑडिटर ने की है तो चैलेंजेस कंपैरेटिवली कम है मेरे सामने तो यदि पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हुई है किसी और ऑडिटर ने की है तो हमारा प्रोसीजर क्या रहने वाला है नंबर एक आप पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करिए और उनके ऊपर यदि कोई ऑडिट रिपोर्ट अवेलेबल है तो उसको रीड करिए देयर आफ्टर वी नीड टू चेक क्या बैलेंसेस जो क्लोजिंग बैलेंसेस थे क्या वो अप्रोप्रिएटली कैरी किए गए हैं करंट पीरियड के अंदर या नहीं किए गए यदि जो बैलेंस क्लोजिंग दिखाया गया था वही बैलेंस ओपनिंग है इट्स ओके okay. लेकिन प्रॉब्लम तब एराइज होगी यदि पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट नहीं है तो क्या मैं पूरी तरह से इन बैलेंसेस पर रिलाई कर सकता हूं देयर माइट बी सम मिस स्टेटमेंट इन द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ प्रायर पीरियड यदि प्रायर पीरियड के क्लोजिंग बैलेंसेस के अंदर मिस स्टेटमेंट है देन डेफिनेटली करंट पीरियड के ओपनिंग बैलेंस में वो मिस आनी है तो ऐसी सिचुएशन में ये स्टैंडर्ड सजेस्ट करता है आप कुछ लिमिटेड प्रोसीजर नॉट कि बहुत ज्यादा प्रोसीजर कुछ लिमिटेड प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लीजिए ऑन द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ प्रायर पीरियड से फॉर एग्जांपल कि कोई डेटर्स हैं क्रेडिटर्स हैं कैश बैलेंसेस हैं बैंक बैलेंसेस हैं फिक्सडसेट्स हैं तो उनके रेफरेंस में कुछ प्रोसीजर लाइक डेटर क्रेडिटर कुछ बड़े बड़े वैल्यूज के डेटर क्रेडिटर से आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन की डिमांड कर सकते हैं बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस दिया हुआ है उस बैंक बैलेंस की कंफर्मेशन के लिए आप बैंक स्टेटमेंट से उसको वेरीफाई कर सकते हैं असेट्स दिखाए गए हैं बिल्डिंग लैंड बिल्डिंग आप उनकी टाइटल डीट्स चेक कर सकते हैं म्यूनिसिपल टैक्स की पेमेंट चेक कर सकते हैं उनसे हमें आइडिया लग जाएगा कि जो आइटम दिखाई गई है प्रायर पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या वो ठीक है या नहीं और यदि वो ठीक है आपने थोड़ा सा उनको बहुत डिटेल में तो नहीं लिमिटेड एग्जामिनेशन किया तो उसके बेसिस पर आप एक एश्योरेंस ले सकते हैं कि वो बैलेंस सही होंगे बट एट द सेम टाइम क्योंकि पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट नहीं हुई थी तो आपको एक काम जरूर करना चाहिए आपको एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेनी चाहिए मैनेजमेंट से एज टू नॉन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द प्रायर पीरियड एंड एट द सेम टाइम जब आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाएं तो आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एक अदर मैटर पैरा और डाल दें सो so दैट आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर कर दें कि ये बैलेंसिस प्रायर पीरियड के हैं जो ओपनिंग है जो करंट पीरियड का ओपनिंग है वो प्रायर पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस था और वो लास्ट ईयर ऑडिट नहीं हुआ है या फिर इट वॉज ऑडिटेड बाई अदर ऑडिटर तो आप इस तरीके से आपने अपना प्रोसीजर परफॉर्म किया नाउ अब आपके सामने एक और सिचुएशन आ सकती है कि लास्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हुई थी लेकिन उस ऑडिटर ने मॉडिफाइड ओपिनियन दे रखी है लास्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अब वही फाइनेंशियल आइटम करंट पीरियड में ओपनिंग बनी है तो अब आपको देखना है क्या वो मॉडिफिकेशंस रिजॉल्व हो गई या नहीं हो गई यदि मॉडिफिकेशन रिजॉल्व नहीं हुई तो आपको करंट पीरियड के अंदर देखना है उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है सो इन दैट मैनर हमारे प्रोसीजर्स अप्लाई हो जाते हैं जो हमें परफॉर्म करने होंगे ओवर द ओपनिंग बैलेंसेस सबसे पहला काम पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एलोंग विद ऑडिट रिपोर्ट रीड करिए और एनालाइज करिए और समझने की कोशिश करिए क्लोजिंग बैलेंस क्या थे किस तरीके की उनकी क्लासिफिकेशन थी क्या उनकी डिस्क्लोजर्स थे पहला काम दूसरे नंबर पर फिर आप चेक करिए कि जो पिछले साल का क्लोजिंग है वो करंट पीरियड में सेम कैरी फॉरवर्ड हुआ है या नहीं हुआ तो पहले ये दो पॉइंट कवर करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस स्टैंडर्ड में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑडिटर शुड स्टडी क्या स्टडी करे प्रायर पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इनके ऊपर यदि ऑडिटर रिपोर्ट देयर ओन इफ एनी क्योंकि हो सकता है प्रायर पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट ही ना हुई हो दोनों ही पॉसिबल है, है ना एन एंगेजमेंट इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर प्रायर पीरियड आर इधर नॉट ऑडिट ऑडिट नहीं है तो ऑडिट रिपोर्ट नहीं होगी ऑडिट हुई होगी किसी और ने की है तो ऑडिट रिपोर्ट अवेलेबल होगी सो एज ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ द प्रायर पीरियड ऑडिटर शुड ऑल्सो एग्जामिन वेदर द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ प्रायर पीरियड आर अप्रोप्रिएटली कैरीड एज ओपनिंग बैलेंस इन करंट पीरियड लास्ट इन बैलेंस है वही तो करंट पीरियड का ओपनिंग बैलेंस बनेगा तो आपको ऊपर बैलेंसिस कैरी फॉरवर्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं इनकेस यदि कोई डिफरेंस एराइज होता है यदि कोई डिफरेंस है इन ओपनिंग बैलेंसेस मींस क्लोजिंग बैलेंस पांच लाख था ओपनिंग बैलेंस साढ़े चार लाख दिखाया हुआ है देन क्यों ये डिफरेंस एराइज हुआ क्यों ये डिफरेंस एराइज हुआ जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे सकता हूं लाइक like, यदि मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 1920 की बैलेंस शीट में इन्वेंट्री की वैल्यू 5 ,00 ,00 ,00, दिखाई हुई है। लेकिन जब फाइनेंशियल ईयर 2021 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई गई तो उसमें ओपनिंग बैलेंस इन्वेंट्री का फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज आया हुआ है व्हाट इट मींस देयर इज अ डिफरेंस ये डिफरेंस क्यों एराइज हुआ यहां पर आपने कोस्ट और NRV, विच एवर इज लोअर कंसीडर नहीं किया। मिस्टेक हो गई। मिस्टेक हो गई। आपने ये कंपैरिजन नहीं किया, लेकिन इस ईयर में आकर आपको ये गलती का पता चला कि ये तो NRV इसकी तो साढ़े चार लाख रुपए थी, ओवरवैल्यू कर दिया इन्वेंटरी को। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में इन्होंने एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास कर दी इन्होंने इन्होंने पीएनएल अकाउंट को डेबिट कर दिया पिछले साल के पीएनएल अकाउंट पीएनएल कैरी फॉरवर्ड हो रहा होगा उसको डेबिट कर दिया पचास हजार रुपए टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री पचास हजार रुपए इन्वेंट्री की वैल्यू को तो जो ओपनिंग बैलेंस पांच लाख रुपए कैरी किया था आपने आपने उसको साढ़े चार लाख पर कर दिया आपको ध्यान हो तो ऐसी आइटम्स को हम क्या नाम देते हैं प्रायर पीरियड आइटम्स का नाम देते हैं सो so, यदि क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंसेस में कहीं पर कोई डिफरेंसेस है देन यू नीड टू एंश्योर दैट एडजस्टमेंट एंट्रीज एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ इन द नेम ऑफ प्रायर पीरियड आइटम उसकी एडजस्टमेंट कर दी गई हो तो वही पॉइंट देखिए अब यहां पर लिखा हुआ है इन एनी डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंसेस एंश्योर

या प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट नहीं हुई तो आपको कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स परफॉर्म करने चाहिए ऑडिटर शुड परफॉर्म स्पेसिफिक प्रोसीजर्स इन रिलेशन टू सिग्निफिकेंट ओपनिंग बैलेंसेस इफ ही हैज एनी डाउट ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रायर पीरियड वर नॉट ऑडिटेड अब स्पेसिफिक प्रोसीजर्स क्या है उनके एग्जाम्पल हैं जैसे ये मैंने आपको डिस्कशन के टाइम भी बताया लार्ज ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल में आप एक्सटर्नल कन्फर्मेशन ले सकते हैं जैसे मान लीजिए आप फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए ऑडिट कर रहे हैं तो फाइनेंशियल ईयर 1920 के एंड पर जो डेटर क्रेडिटर थे उनकी बैलेंस कंफर्मेशन आप ले लो भी इक्कीस में क्या दिक्कत है ले सकते हैं Inspection of certificate of investments as on 31st March 2020. Verification of fixed asset register so as to determine se assets the as on 31st March 2020. Examination of bank statement and bank reconciliation statement. ये कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स है जो मुझे अप्लाई करने चाहिए पर्टिकुलरली तब जब लास्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट इधर ऑडिट नहीं हुई है और देवर ऑडिटेड बाय द प्रीस ऑडिटर और आपको डाउट है आगे बढ़ते हैं यदि ऑडिटर को कोई मेटीरियल मिस स्टेटमेंट मिलती है इन ओपनिंग देन इसका इफेक्ट इवेलुएट करिए ऑन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर इसका इंपैक्ट अब मान लीजिए साढ़े चार लाख लाख ही लिया तो इसका मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है तो गलत ना आपने इवेल्युएट किया और देखा कि जो ये ओपनिंग बैलेंस की इन्वेंट्री थी ये करंट पीरियड में चार लाख पचास हजार रुपए की सेल हुई है तो आपने जब इसकी डिटेल देखी तो आपको पता चल गया कि एनआरवी तो थर्टी फर्स्ट मार्च 2020 को ही चार लाख पचास हजार की थी ये तो पिछले साल की गलती है जो इस साल रेक्टिफाई हो जानी चाहिए मैंने मैनेजमेंट को कहा मैनेजमेंट ने इसको करेक्ट करने से मना कर दिया अब मैनेजमेंट ने इसको करेक्ट करने से मना कर दिया तो इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है करंट ईयर का पीएनएल करंट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट करंट ईयर के नेट प्रॉफिट करंट ईयर का ग्रोस प्रॉफिट एज वेल एज करंट ईयर का नेट प्रॉफिट इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा ट्रेडिंग की आइटम है साढ़े चार लाख की जगह आपने इसको पांच लाख रुपए डेबिट कर दिया तो इसका इंपैक्ट क्या होगा यदि मान लो क्रेडिट साइड आपकी पंद्रह लाख है पंद्रह में से पांच माइनस करोगे दस लाख का प्रॉफिट आएगा बट पंद्रह में से साढ़े चार माइनस करोगे तो साढ़े साढ़े दस लाख का प्रॉफिट आएगा अब आपने क्या कर दिया करंट ईयर के प्रॉफिट को डाउन कर दिया ये पांच लाख रुपए यहां पर दिखाकर पचास हजार रुपए से आपने दिखाना चाहिए था आपको साढ़े चार लाख रुपए जिसके कारण आपका प्रॉफिट जो निकल करके आता वो डिफर कर रहा है उस फिगर से जब आपने ओपनिंग बैलेंस कितना दिखाया पांच लाख रुपए का तो क्या करंट पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफेक्ट हो रही है इस गलती के कारण डेफिनेटली हा फ ऑडिटर आइडेंटिफाई एनी मटीरियल मिस स्टेटमेंट इन द ओपनिंग बैलेंस ऑडिटर शुड इवेल्युएट इट्स इफेक्ट ऑन करंट पीरियड करंट पीरियड पर इफेक्ट पड़ रहा है मैनेजमेंट को कहो ठीक कर दे मैनेजमेंट ठीक कर देती है बहुत अच्छी बात है चार सौ पचास के अकॉर्डिंग आप अपना काम कर लो बट यदि मैनेजमेंट ठीक करने से मना कर देती है देन मोडिफाई द ओपीनियन इफ मिस स्टेटमेंट अफेक्ट द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर शुड कम्युनिकेट टू मैनेजमेंट एंड रिक्वेस्ट फॉर द नेसेसरी करेक्शन एंड डिस्कलोजर इन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यदि अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग एडजस्टमेंट डिस्कलोजर कर दिए गए बहुत अच्छी बात है प्रॉब्लम तब आएगी जब नहीं किए गए नहीं किए गए देन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू मोडिफाई द ऑडिट ओपिनियन इधर क्वालिफाइड और एडवर्स बेस्ड अपॉन द प्रवेसिवनेस ऑफ द मिस स्टेटमेंट उ एवर जब ऑडिटर ने ऐसी कुछ चीजें मैनेजमेंट को बताई मैनेजमेंट ने उसके काम पर लिमिटेशंस लगाना शुरू कर दिया और कहा पिछले साल की आइटम्स को आपको इवेलुएट करने की जरूरत नहीं है मान लो ऑडिटर को कहीं पर डाउट है और ऑडिटर ये प्रोसीजर्स परफॉर्म करना चाह रहा है पिछले साल की आइटम्स के ऊपर बट मैनेजमेंट ने डिनाई कर दिया और उसको नेसेसरी सपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की इन सिचुएशन में ऑडिटर इज नॉट एबल टू कंक्लूड कि क्या ओपनिंग बैलेंसिस रिफ्लेक्ट्स ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट इन दैट सिचुएशन ऑडिटर क्या करें अगेन मोडिफाई द ओपिनियन लेकिन यहां पर एडवर्स की जगह डिस्कलेमर की बात आएगी इफ ऑडिटर इज नॉट एबल टू कलेक्ट द ऑडिट एविडेंस विद रिस्पेक्ट टू द ओपनिंग बैलेंसिस ड्यू टू द लिमिटेशन इम्पोज बाय द मैनेजमेंट और एनी अदर रीजन ऑडिटर शुड मोडिफाई द ओपिनियन

प्रीडिसेसर ऑडिटर नंबर दो ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस क्या होते हैं दे आर द बैलेंसेस दैट एट द बिगनिंग ऑफ़ पीरियड एंड डेफिनेटली दे आर द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड नॉट ओनली द बैलेंसेस दे आल्सो इंक्लूड्स द डिस्लोजर्स ऑफ द आइटम्स दैट रिक्वायर्स डिस्कलोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाउ अब ऑडिटर के प्रोसीजर्स क्या हैं? ऑडिटर के प्रोसीजर्स में सबसे पहली बात आ जाती है कि आप प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करें इंक्लूडिंग ऑडिटर रिपोर्ट्स देयर ऑन इफ देयर इज इफ देयर इज एंड देयर आफ्टर यू नीड टू इवेलुएट वेदर द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ प्रायर पीरियड वर अप्रोप्रिएटली कैरीड टू द करंट ईयर और नॉट इन आफ्टर दैट इफ ऑडिटर हैज डाउट On the reliability of prior period financial statement, or prior period financial statements were not audited, in that case, auditor should perform the specific procedures, and that specific procedures may be examination of bank statement, obtaining external confirmation from trade receivable, trade payables, inspection of certificates of documents, certificates of investments, inspection of uh, fixed assets register, etc. If एग्जिस्ट एनी मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज टू द ओपनिंग बैलेंसेस इन दैट केस ही नीड्स टू इवेलुएट क्या यह मिस स्टेटमेंट करंट पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रहा है यदि अफेक्ट कर रहा है देन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट सॉरी ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट दिस स्टेटमेंट टू द मैनेजमेंट विदिक्वेस्ट फॉर द नेसेसरी करेक्शन इफ द नेरी करेक्शन मैनेजमेंट इन दैट केस ऑडिटर शुड एग्जामिन वेदर द एडजस्टमेंट मेड बाय द मैनेजमेंट आर एप्रोप्रिएट एंड ऑल द एडजस्टमेंट विच आर रिक्वायर्ड है रिक्वायरमेंट ऑफ एस ए फोर हंड्रेड फिफ्टी However, if management denies to make the necessary corrections, in that case, auditor is required to modify the opinion and that modification may be either qualified or adverse. However, if in specific situation management

जो ऑडिटर को परफॉर्म करना है और आपको याद करना है अब इसके क्वेश्चंस भी देख लेते हैं कुछ फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट सिंपल सेकंड क्वेश्चन है जो नवंबर 2008 के एग्जाम में आया है अगस्त 18 के मॉक टेस्ट पेपर नवंबर 18 की आरटीपी में यू हैव बीन अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ गुड हेल्थ लिमिटेड फॉर 2021 व्हिच वाज ऑडिटेड बाय सी अ ट्रस्टवर्दी इन 1920 एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी स्टेट टेक टू इंश्योर ओपनिंग बैलेंसेस एंड ओपनिंग बैलेंसेस डू नॉट कंटेन द मिस्टेक सेम प्रोसीजर जो मैंने आपको नोट्स में दिया है वो एग्जैक्ट इसमें आप लिख देना फिर मैं आपको

आउट, ऑप्टेनिंग अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसी से कंफरमेशन फ्रॉम दिसीवेबल करोड़ लास्ट ईयर इज नो रिसी एंड फर्दर क्रेडिट ड्यूरिंग दैट मीन इस पर्टिकुलर ट्रेड रिसीवेबल की ड्यूरिंग द ईयर कोई भी ट्रांसेक्शन नहीं हुई है जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग था वही करंट ईयर में है सी एक्स ऑडिट प्रोग्राम दाउंट रिसीवेडी ऑडिटेडिश डाउट होना चाहिए पिछले साल का आउटस्टैंडिंग इस साल के एंड में भी आउटस्टैंडिंग पड़ा है तो यहां पर तो स्केप्टिसम एक्सरसाइज करो एक करोड़ जो थर्टी फर्स्ट मार्च 19 को भी था वही बैलेंस थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी को भी आउटस्टैंडिंग पड़ा है और उससे कोई रिसीट नहीं हुई कोई फर्दर क्रेडिट नहीं हुआ इस अकाउंट में पूरा साल भर निकल गया सो so, इसके ऊपर तो डिटेल्ड प्रोसीजर परफॉर्म करने की जरूरत थी और इटर नीड्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक प्रोसीजर क्या आपको डाउट एराइज नहीं हो रहा क्या इस सिचुएशन में आपको डाउट अराइज नहीं हो रहा क्या ऑडिटर शुड परफॉर्म द स्पेसिफिक प्रोसीजर इन रिलेशन टू सिग्निफिकेंट ओपनिंग इफ ही हैज एनी डाउट ओवर द रिलायबिलिटी एक करोड़ रुपए का बैलेंस 31 मार्च 19 ,000 को भी था और वही एक करोड़ 31 मार्च 20 ,000 को भी है सफिशियंट डाउट एग्जिस्ट आंसर यही प्रोसीजर आपको इसके अंदर लिखना है सो दिस इज ऑल अबाउट द एस ए फाइव हंड्रेड टेन अब बढ़ते हैं आगे और हमारा नेक्स्ट स्टैंडर्ड है एस ए सेवन हंड्रेड टेन एस ए सेवन हंड्रेड टेन इसका नाम है कंपेरिटिव इंफॉर्मेशन रेस्पोंडिंग फिगर्स एंड कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले तो आपको इन दोनों का मीनिंग समझ लेना चाहिए जब हम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं लेट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड इसमें मैंने बैलेंस शीट बनाई एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च 2020 तो हम क्या करते हैं लास्ट ईयर के बैलेंसेस जो 31 मार्च 2019 के बैलेंसेस हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल थ्री हम डाल देते हैं लेकिन क्या ये एक पर्टिकुलर डेट की बैलेंस शीट है या ये दो डेट्स की बैलेंस शीट है ऊपर में सिर्फ एक ही डेट लिखता हूं इट इम्प्लाइज ये बैलेंस शीट सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च 2020 की है और इसमें जो प्रायर पीरियड का डाटा डाला गया है ये फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन डाला गया है लेकिन ये प्रायर पीरियड का डाटा करंट पीरियड के इंटीग्रल है इसकी स्टैंड कोई वैल्यू नहीं है नो स्टैंड एलोन कंसीडरेशन। आपको 31 मार्च 19 की कोई बैलेंस चेक करनी हो क्या आप इस बैलेंस शीट से ले सकते हैं नो no. इस बैलेंस शीट से आप 31 मार्च 20 की फिगर ले सकते हैं और कंपैरिजन के लिए 31 मार्च मार्च ले देख सकते हैं बट क्योंकि इसकी स्टैंड अलोन वैल्यू नहीं है ये सिर्फ कंपैरिजन के लिए आपने डाला है लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए और ऊपर आपने कहा यह बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट की है यह बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट की है बट एक दूसरा तरीका भी हो सकता है बैलेंस शीट को बनाने का और वो क्या हो सकता है मान लो मैं लिखता हूं बैलेंस शीट ऑफ A B C and Associates as on thirty first March nineteen and thirty first March twenty Liabilities सेट अमाउंट 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 थर्टी फर्स्ट मार्च नाइनटीन थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी थर्टी फर्स्ट मार्च नाइनटीन थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी नौ अब देखिए यहां पर क्या ये दो बैलेंस शीट है या ये एक बैलेंस शीट है क्लियरली मैंशन है दो डेट्स दैट मीन्स क्या यहां पर जो थर्टी फर्स्ट मार्च नाइनटीन का डाटा दिया गया है क्या इनकी अपनी एक स्टैंड एलोन वैल्यू है जी हाँ, इनकी अपनी एक स्टैंड एलोन वैल्यू है क्या आपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अंदर किसी भी एंटिटी के ऐसी दो डेट्स लिखी हुई देखी है नहीं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये वाला फ्रेमवर्क जनरली अप्लाई नहीं होता इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो फ्रेमवर्क अप्लाई होता है वो ये वाला होता है जहां पर प्रायर पीरियड है वो करंट पीरियड का होता है है और ऑडिटर जब अपनी रिपोर्ट करता है, तो वो अपनी रिपोर्टिंग में भी सिर्फ एक ही डेट को यूज करता है और दूसरी डेट का कोई रेफरेंस अपनी रिपोर्ट के अंदर नहीं देता है इन सिमिलर मैनर लेकिन जब इस तरीके की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया जाता है तो ऑडिटर भी जब अपनी रिपोर्ट करेगा तो वो लिखेगा वी हैव ऑडिटेड दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सो एंड सो एंटिटी व्हिच कंप्राइज ऑफ द बैलेंस शीट दोनों डेट्स को मेंशन करेगा वो. वो दोनों की दोनों डेट्स को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में रेफर करेगा सो so, जहां पर प्रायर पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटीग्रल होंगी ऑफ करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रायर पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कोई सेपरेट रेफरेंस नहीं दिया जाएगा नो सेपरेटली रेफरेंस इज रिक्वायर्ड तो ऐसी कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन को नाम दिया जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स का लेकिन यदि प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट

टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का और ये दोनों एग्जाम्पल हैं किसके कंपेरिटिव इंफॉर्मेशन के और यही हमारे स्टैंडर्ड का नाम है कंपेरिटिव इंफॉर्मेशन कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का तो एस ए सेवन हंड्रेड टेन जो अब हमें पढ़ना है कंपेरिटिव इंफॉर्मेश्स कॉरेस्पोंडिंग फिगर्स एंड कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट इंडियन कॉन्टेक्ट में यह वाला फ्रेमवर्क नहीं चलता जो फ्रेमवर्क चलता है वो है कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स का फ्रेमवर्क सो so, सबसे पहले तो आप इनके मीनिंग्स को ही पढ़ लीजिए मीनिंग क्या है इन तीनों वर्ड्स के मीनिंग ऑफ कंपेरिटिव इंफॉर्मेशन वो अमाउंट एंड डिस्कलोजर्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड किए गए हैं इन रिलेशन टू वन और मोर प्रायर पीरियड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स ये वो कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन है जहां पर अमाउंट एंड अदर डिस्कलोजर्स फॉर द प्रायर पीरियड दे आर इंक्लूडेड एज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड दे आर इंटेंडेड टू बी रीड ओनली इन रिलेशन टू अमाउंट एंड अदर डिस्कलोजर रिलेटिंग टू द करंट पीरियड इसका मतलब इनकी अपनी कोई भी स्टैंड अलोन वैल्यू नहीं है लेकिन जब मैं कंपेरिटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता हूं तो कंपेरिटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है ये वो कंपेरिटिव इंफॉर्मेशन है जहां पर अमाउंट एंड अदर डिस्कलोजर फॉर स्टेटमेंट ऑफ द मतलब इंटीग्रल नहीं है एंड इफ ऑडिटेड दे आर रेफर टू इन ओपिनियन मीन इनकी अपनी एक स्टैंड एलोन वैल्यू होती है इंडियन कॉन्टेक्स के अंदर जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स हैं, वो सब कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स पर बेस्ड हैं, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एट सच बेस्ड नहीं है नो, अब बात कर लेते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स की ऑडिट प्रोसीजर्स क्या है ऑडिट प्रोसीजर वेदर इट इज अ केस ऑफ कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन और कंपेरिटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर वो प्रोसीजर दोनों का ही सेम है नंबर एक डिटरमाइन क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपेरिटिव इंफॉर्मेशन डाली गई है प्रायर पीरियड का डाटा इंक्लूड किया गया है यदि हां चेक करो क्या वो अप्रोप्रिएटली क्लासिफाइड है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मींस उसकी क्लासिफिकेशन इधर एज द कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर और एज कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ एफ आर एफ जैसे हमारा शेड्यूल थ्री 2013 का उसमें कंपेरिटिव इंफॉर्मेशन की डिमांड की गई है बट दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स यदि हां वेदर द कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन हैज बीन अप्रोप्रिएटली क्लासिफाइड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल एफ आर एफ इंडियन In Indian शेड्यूल थ्री ऑफ द कंपनीज एक्ट Act थाउजेंड थर्टीन यहां लिख भी लीजिए ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 requires the रिक्वायर्स द क्लासिफिकेशन ऑफ as इंफॉर्मेशन एज द कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर पहला काम हो गया कि एफ आर एफ के हिसाब से आपने कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन को दिया नंबर दो जो इस साल की कंपेरिटिव है वो पिछले साल करंट होगी या नहीं होगी 1920 में आपने 1819 का डाटा लगाया तो 1819 कंपैरेटिव कंपेरिटिव है बट जब पिछले साल 1819 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई थी तो वो करंट था ना उस समय तो क्या 1819 का करंट और 1920 में 1819 का प्रायर वो मैच करने चाहिए या नहीं करने चाहिए मैच होगा ना बिल्कुल जैसे आपने बैलेंस शीट प्रिपेयर की एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च एटीन आपने इसमें डाटा दिया किसका थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एटीन का और थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड सेवेंटीन का अब आपने बैलेंस शीट प्रिपेयर की एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन इसमें आपने डाटा दिया 31 मार्च 2019 और इसका कंपैरेटिव 31 मार्च 2018 जो ये करंट पीरियड के अंदर प्रायर है क्या ये पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में खुद करंट था या नहीं था यस yes. तो क्या ये बैलेंस अप्रोप्रिएटली कैरी फॉरवर्ड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए बिल्कुल तो आपका दूसरा काम क्या है यही चीज को चेक करना evaluate whether the comparative information agree with the amount and disclosure of prior period financial statement और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं ऐसे 520 का सहारा ले लो consideration of comparison ऐसे 520 दो तरह के considerations की बात करता है ऑफ ऑफ एंड रिलेशनशिप आपको कंपेयर ही तो करना है कि क्या ये बैलेंसेस आपस में मैच करते हैं या नहीं करते बैलेंस मैच करते हैं तो इसका मतलब सही कैरी फॉरवर्ड हुए नहीं करते हैं इन दैट केस देयर इज अ डिफरेंस डिफरेंस है तो एडजस्टमेंट एंट्री पास होनी चाहिए इसके साथ साथ इवेलुएट वेदर अकाउंटिंग पॉलिसीज

एस फाइव में रिक्वायरमेंट है कि यदि कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होती है देन उसके डिस्कलोजर में आपको तीन चीजें देनी होती हैं। नंबर वन व्हाट इज द चेंज व्हाट आर द रीजंस फॉर द चेंज एंड व्हाट इज द फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ सच चेंज देयर आफ्टर इसके बाद यदि कोई डाउट एराइज होता है आपको डाउट किस चीज का एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मेटीरियल मिस स्टेटमेंट इन कंपेरिटिव इंफॉर्मेशन की पिछले साल की इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से नहीं उठाई गई या पिछले साल का डाटा ही गलत था देन परफोर्म द एडिशनल प्रोसीजर्स अब मान लो पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने ऑडिट कर रखी है लेट से 31 मार्च 18 आपने ऑडिट किया था 31 मार्च 19 आप ऑडिट कर रहे हो 19 की ऑडिट करते वक्त आपको लगता है 31 मार्च 18 का डाटा गलत है 18 भी तो आपने ही ऑडिट कर रखा है तो ठीक है ना ऐसे 560 अप्लाई करा लो इफ प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर ऑडिटेड बाय सेम ऑडिटर प्रोसीजर्स एज प्रिस्क्राइब इन एस ए फाइव इसके साथ साथ ऑडिटर आपको एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है फ्रॉम द मैनेजमेंट दैट ऑल प्रीवियसली प्रोवाइडेड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन स्टिल रिमेन्स वैलिड देखिए जब आप फाइनेंशियल ईयर 1819 की ऑडिट करते हैं तो आपने डब्ल्यू ली होंगे अब आप फाइनेंशियल ईयर 1920 की ऑडिट कर रहे हैं नाउ 1920 की ऑडिट करते वक्त उसके अंदर कंपेरिटिव इंफॉर्मेश लगी हुई हैं यह कंपेरिटिव इंफॉर्मेशन क्या है जो फाइनेंशियल ईयर 1819 का डाटा था तो यदि मैं एक तो तरीका है कि कंपेरिटिव इंफॉर्मेशन की एक एक आइटम पर अलग से डब्ल्यू मांगूं बट क्या मैंने इस सारे डाटा के रेफरेंस में लास्ट ईयर 18-19 की ऑडिट करते वक्त डब्ल्यू आर ली होगी ली होगी तो करंट ईयर में कम्पेरेटिव इंफॉर्मेशन के रेफरेंस में यदि मैं एक सिंगल डब्ल्यू आर लेता हूँ जिसमें ये लिखवा लिया जाए कि जो आपने मुझे पिछले साल डब्ल्यू आर दी थी 18-19 के रेफरेंस में वो सारी की सारी वैलिड हैं इन रिलेशन टू कंपेरिटिव इंफॉर्मेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1920 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपैरेटिव डाटा किसका है 1819 का है सो ऑबटेन अ रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट दैट ऑल प्रीवियसली प्रोवाइडेड रिटन रिप्रेजेंटेशन स्टिल रिमेंस वैलिड ये तो हो गया ऑडिटर का प्रोसीजर जो ऑडिटर को परफॉर्म करना है इन रिलेशन टू द कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन नाउ अब इसके बाद फिर बात आ जाती है ऑडिटर का प्रोसीजर क्या होगा प्रोसीजर तो परफॉर्म कर लिया हमने प्रोसीजर में हमने क्या-क्या चीजें की नंबर एक हमने चेक किया क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन को इंक्लूड किया गया है यदि कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन इंक्लूड की गई है तो क्या वो एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्रोप्रिएटली क्लासिफाइड हुई है नंबर 2 पर फिर बात आ गई क्या बैलेंसेस जो प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में थे और करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपेरिटिव डाटा के अंदर गिवन है क्या वो मैच करते हैं इन केस यदि कोई भी डिफरेंस है देन मैनेजमेंट से आप उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं इन एडिशन आपको एग्जामिन करना है इवेलुएट करना है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यूज की गई थी क्या वो कंसिस्टेंटली अप्लाइड की गई हैं करंट पीरियड में या उनमें कोई चेंज है यदि उनके अंदर कोई चेंज है देन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू डिटरमिन क्या एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इंश्योर किया है मैनेजमेंट ने या नहीं किया है नाउ अब ऑडिटर ने अपना सारा काम कर लिया अब उसको अब एक कंक्लूजन ड्रॉ करना है और एक ओपिनियन देनी है अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग कंक्लूजन आएंगे अलग अलग रिपोर्ट्स आएंगे नंबर क्या फिगर्स में ऑडिटर प्रायर पीरियड का रेफरेंस जनरली देता है नहीं देता रीजन प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन केस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर दे आर इंटीग्रल टू करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन जनरल ऑडिट रिपोर्ट शुड नॉट रेफर टू द कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स हाउ एवर यदि प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हुई थी पिछले साल की और पिछले साल के ऑडिटर ने उस पर एक मॉडिफिकेशन दी थी और वो मॉडिफिकेशन आज तक रिजोल्ड नहीं हुई देन फिर ऑडिटर करंट पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मॉडिफाई करेगा इन रिलेशन टू कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स ऑडिटर शेल मॉडिफाई द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ करंट पीरियड विद रिस्पेक्ट टू कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स लेकिन मान लो जो मॉडिफिकेशन थी पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट में वो मॉडिफिकेशन रिजोल्व हो गई वो मोडिफिकेशन रिजोल्ट हो गई देन क्या करंट पीरियड में कोई रेफरेंस देने की जरूरत है इनकेस ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग फिगर्स नो इफ मोडिफिकेशन ऑफ प्रायर पीरियड इज रिजोल्ट एंड प्रोपरली अकाउंटेड फॉर एंड डिस्कलोज इन करंट पीरियड एज पर एप्लीकेबल एफ आर एफ ऑडिटर ओपिनियन ऑन करंट पीरियड नीड नॉट रेफर टू प्रीवियस मोडिफिकेशन एग्जाम्पल दिया है मैंने इसका यहां पर एक देखिए जरा ऑडिटर रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 1819 की इसमें एक क्वालिफाइड ओपिनियन थी आपने मैनेजमेंट ने एक डेट का प्रोविजन नहीं बनाया अब 1920 आ गया इस कंसर्न डेटर से पेमेंट आ गई मोडिफिकेशन रिजोल्ट हो गई कोई रेफरेंस रिक्वायर्ड नहीं है इन ऑडिट रिपोर्ट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 1920 ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ जो मैंने यहां एग्जाम्पल दिया है ना यही सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा गया है एक दो तीन बार नवंबर 14 मई 9 मई 18 जैसे ऑडिट रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 1819 कंटेन्ड अ क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग नॉन प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट आप स्टेटूटरी ऑडिटर हैं 1920 के कंपनी ने 1920 में भी प्रोविजन नहीं बनाया या कंपनी ने 1920 में प्रोविजन बना दिया तो आप क्या करेंगे सो so, अब यदि दूसरी सिचुएशन पर आ जाते हैं बैलेंस आज भी आउटस्टैंडिंग है बैलेंस आज भी आउटस्टैंडिंग है तो प्रोविजन बना देते ना आप प्रोविजन बना देते तो मॉडिफिकेशन रिजोल्व हो जाती तब भी लेकिन प्रोविजन अभी भी नहीं बनाया तो इसका मतलब है मॉडिफिकेशन रिमेन्स मॉडिफिकेशन रिमेन्स तो ऑडिट रिपोर्ट ऑफ करंट पीरियड उसको आपको मॉडिफाई करना होगा विद रिस्पेक्ट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स तो जो क्वेश्चन था वो उसका आंसर ये वाला पहरा था सारा इन जनरल ऑडिट रिपोर्ट शुड नॉट रेफर टू द कॉरस्पॉन्डिंग फिगर हाउ एवर यदि प्रायर पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड हुई हैं और उन पर मॉडिफाइड ओपिनियन इशू हुई और मॉडिफिकेशन रिजोल्व नहीं होती हैं देन ऑडिटर शुड मॉडिफाई द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ करंट पीरियड विद रिस्पेक्ट टू द कोरस्पॉन्डिंग फिगर हाउ एवर यदि प्रायर पीरियड की मॉडिफिकेशन रिजोल्ड हो जाती है और प्रॉपर अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर दे दिया जाता है इन करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ देन करंट पीरियड की रिपोर्ट में प्रायर पीरियड की मॉडिफिकेशन का रेफरेंस देने की कोई आवश्यकता नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इफ ऑडिटर आइडेंटिफाई एनी मेटीरियल मिस स्टेटमेंट इन द कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स ऑन विच पिछले साल में अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दी जबकि अनमोडिफाइड ओपिनियन नहीं आनी चाहिए थी अभी पिछले पॉइंट में तो मैंने कहा पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन थी अब मैं कह रहा हूं पिछले साल अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दी गई थी लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर में गलती है और या तो उसको करेक्ट करा लो यदि गलती है मेटीरियल मिस स्टेटमेंट है कंपेरिटिव इंफॉर्मेशन में एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करके करेक्ट करा लो लेकिन मैं कंक्लूजन स्टेज पर आ चुका हूं और कंक्लूजन स्टेज में भी ये मिस स्टेटमेंट बची हुई है मैनेजमेंट करेक्ट नहीं कर रही ठीक है मॉडिफाई कर दो ऑडिट ओपिनियन को फॉर द करंट पीरियड विद रिस्पेक्ट टू कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स अच्छा पिछले साल की डिंग फिगर्स अन ऑडिटेड है ऑडिट ही नहीं हुई थी देर मैटर पैरा डालिए हम यदिस्पॉन्डिंग फिगर्स ऑडिटेड है बाई एनी पर्सन अदर देन हमारे अलावा किसी और ने ऑडिट की थी तब भी अदर मैटर पैरा डालिए रिपोर्ट में पिछले साल के ऑडिटर का नाम ऑडिट रिपोर्ट की डेट और उसने क्या ऑडिट रिपोर्ट इश्यू की थी यह आपको रिपोर्ट के अंदर देना है सो so, एस 710 को जब हम कवरअप करेंगे तो एस एस के अंदर जो हमारी कवरेज है वो नंबर वन एक तो इसके प्रोसीजरल एस्पेक्ट के ऊपर आ जाएगी और नंबर दो इसकी कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग स्टेज पर आ जाएगी जो इनके क्वेश्चंस आते हैं 510 की बात करूं मैं या 710 की बात करूं प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स के ऊपर आते हैं और प्रोसीजरल एस्पेक्ट के सारे मेन मेन पॉइंट्स मैंने आपको इन्हीं क्लास नोट्स के अंदर अप कर दिए सो so, यदि आप इनको भी अच्छी तरह से याद कर लोगे तो आप अपने आंसर्स को लिख पाएंगे राइट right? सो so, इसके साथ हमारे स्टैंडर्ड्स के टॉपिक खत्म हो गए हैं अब आप कहेंगे सर सर नहीं खत्म हुए वो तो मैंने आपको क्लास की बिगनिंग में ही बता दिया था कि कुछ स्टैंडर्ड्स जो हमारे बचे हुए हैं वो मैं अब आपको आगे के चैप्टर में कराऊंगा जैसे 610 इंटरनल ऑडिट में 600 ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये ऑडिट रिपोर्ट के चैप्टर के साथ कराऊंगा नौ अब इसके बाद हम कंपनी ऑडिट स्टार्ट करेंगे और कंपनी ऑडिट के अंदर ही ऑडिट रिपोर्ट्स को भी हम साथ साथ कवरअप करेंगे सो so, आज के इस सेशन में तो बस अब इतना ही कराना था मुझे दो स्टैंडर्ड 510 एंड 710 छोटे छोटे से स्टैंडर्ड थे क्लास नोट से ही आप इनको लर्न कर लीजिएगा क्वेश्चन बैंक से इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करिएगा और नेक्स्ट लेक्चर से फिर हम कंपनी ऑडिट एंड ऑडिट रिपोर्ट इन दो टॉपिक्स की शुरुआत करेंगे सो so, आज के लिए इतना ही गुड बाय टेप